आईपीएल में कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे खिलाड़ी निकल कर आते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन आईपीएल ऑक्शन में उन्हें करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी कहानी निकल कर आई है। दिल्ली की टीम ने एक खिलाड़ी हैं कुमार कुशाग्र, झारखंड के हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उन पर बोली लगा दी है 7 करोड़ 20 लाख की। उनके जो डायरेक्टर हैं दिल्ली कैपिटल्स के सौरभ गांगुली, वो पहले ये डिसाइड कर चुके थे कि कुमार कुशाग्र को दिल्ली की टीम में शामिल करना है और सौरभ गांगुली उनके लिए 10 करोड़ तक की बोली लगाने को तैयार थे। ऐसा कुमार कुशाग्र के पिता से सौरभ गांगुली ने एक बार बातचीत में कहा था, जिसकी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी छपी हैं। इन सब के बावजूद सौरभ गांगुली ने जो कहा वो उन्होंने किया भी है और लगभग 7 करोड़ 20 लाख में अपने साथ कुमार कुशाग्र को शामिल कर लिया। अब आप कहेंगे भाई कुमार कुशाग्र हैं कौन, आखिर उनके पास ऐसी क्या प्रतिभा है कि सौरभ गांगुली ने उन्हें इतने बड़े अमाउंट में अपने साथ साइन कर लिया और यहाँ तक कि वो 10 करोड़ देने वाले थे। चलिए आपको बताते हैं। कुशाग्र अगले साल खेले जाने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा था। झारखंड से खेलते हुए कुशाग्र ने रणजी ट्रॉफी मैच में 266 रनों की पारी खेली थी। इसी के साथ वो फर्स्ट क्लास में दोहरा शतक जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। पहले ये रिकॉर्ड 17 साल के जावेद मियादाद के नाम था। कुशाग्र कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स के लिए ट्रायल देने आए थे। तब गांगुली ने कुशाग्र के पिता से कहा था कि वो नीलामी में कुशाग्र के लिए 10 करोड़ तक बोली लगाएंगे। ये बात कुशाग्र के पिता शशिकांत ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कही थी। शशिकांत ने बताया था कि गांगुली कुशाग्र के छक्के मारने की काबिलियत से काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज की तुलना महेंद्र सिंह धोनी तक से कर दी थी। शशिकांत ने कहा कि उन्हें लगा कि गांगुली ने ये बातें कुशाग्र को मोटिवेट करने के लिए कही, लेकिन गांगुली ने अपना वादा निभाया। कुशाग्र को दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। शशिकांत तो टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को वहां तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत की। उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया है जो कोई सोच नहीं सकता। शशिकांत ने एक बार अखबार को बताया कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया के महान बल्लेबाजों की किताबें खरीदी, फिर चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो या स्टीव वॉ, उन्होंने पढ़ा और उनसे सीखते हुए अपने बेटे को बल्लेबाजी के गुर सिखाए हैं। उन्होंने बताया है कि इस तरह उन्होंने 60 से 70 शॉट्स की तकनीक अपने बेटे को सिखाई और हर दिन वो रोज इसका अभ्यास करते हैं। ये तो अब तक का जो बैकग्राउंड था कुमार कुशाग्र का वो हमने आपको बताया, लेकिन अब उनको अपने बल्ले से अपने बल्ले की चमक दिखानी होगी आईपीएल 2024 में। दिल्ली कैपिटल्स के जब उन्हें मौका मिलेगा, सौरभ गांगुली ने उनके ऊपर जो भरोसा दिखाया है उनके बल्ले से वो चाहेंगे कि वैसा ही वो कुछ प्रदर्शन करके दिखाएं और भारतीय टीम तक अपनी जगह बनाएं।